जनपद मैनपुरी में यातायात माह के अंतिम दिन आज कई स्कूलों कोचिंग सेंटरों में शामिल होकर शहर के प्रसिद्ध मार्गों से होते हुए एक जागरूकता रैली निकाली। रैली का शुभारंभ जिले के जिलाधिकारी प्रमोद कुमार और SP अजय शंकर राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने ट्रैफिक पर चलने के नियम बताए और हाथों में हम प्लेट लेकर या फिर नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देकर बताया कि बाइकों को बिना हेलमेट पहनकर व बिना सीट बेल्ट के ना चलाएं। वहीं यातायात मार्ग के आज अंतिम दिन जिलाधिकारी व SP पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं SP ने बताया रैली का यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके चलते लोगों में जागरूकता आए और सड़कों पर चलते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें जिससे सड़क हादसे ना हो सके। इसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए आज यातायात माह के लास्ट में यह रैली का आयोजन किया गया। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सेंट मैरिज के बच्चे यातायात माँ के समागम पर एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य इस रैली का? इस रैली का है कि जो अभी हमारा यातायात माँ का 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आज इसका क्लोजिंग है। इसकी ओपनिंग भी हम लोगों ने करी थी और क्लोजिंग भी हम लोग कर रहे हैं और ये सारे शहर को आज ये मैसेज दे रहे हैं कि यातायात में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अगर हम लोग जागरूक रहेंगे, समाज जागरूक रहेगा, तो ये सारी चीजें बहुत कम होंगी और ये हुआ भी है। पिछले गत माह से और आज के माह में जो एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत कम हो गया है। और ये रैली जो है इसमें बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, हम लोग के मेन बच्चे हैं स्कूल के, उसके बाद और भी अन्य स्कूलों के हैं, कुछ कोचिंग्स के भी बच्चे हैं और ये यहाँ से पूरे शहर में भ्रमण करते हुए और सेंट मेरीज के